हर नेता पर कड़ी नजर रहती है, हर मतदाता की, और मतदाताओं पर नेताओं की और ज्यादा कड़ी नजर रहती है कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरह से किसे सही चुनना चाहिए। इसी भी सारे प्रमुख नेताओं की हमेशा जो भी पूरा दिनचर्या रहती है वो हमेशा लाइन आर्ट में रहती है, हेडलाइन बनती है। इसी तरह पर ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आई है। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत करने के लिए विमानतल पर सिंधिया समर्थक पहुंचे हैं। बीजेपी नेता आपस में इस समय झगड़ भी लिए। जी हाँ, स्वागत के दौरान दो नेताओं के बीच हुई तीखी नोकझोंक, नौबत इतनी आगे बढ़ी कि अपशब्द तक वहां पर सुनाई दिए। जी हाँ, सिंधिया का स्वागत किया गया था विमानतल पर, एयरपोर्ट पर। वहां पर दो बीजेपी नेता आपस में लड़ लिए, जिनके आपस में अशब्द भी सुनाई दिए। सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता संजय शर्मा और एक अन्य सिंधिया समर्थक करीबी नेता आपस में झगड़ लिए। झगड़ा हुआ है दो नेताओं के बीच उस समय जब उनके नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया एयरपोर्ट पर मौजूद अन्य नेताओं ने समझा बुझाकर मामले को शांत करवाने की कोशिश की। लेकिन आपको बता दें कि ये अंदर की जो अंदर जो हलचल रहती है, ये कांग्रेस इस बारे में बहुत बात कर रही है कि बीजेपी के अंदर ही फूट पड़ी हुई है। बीजेपी के नेता आपस में लड़ाई कर रहे हैं, जिस पर अभी बयानों का दौर जारी था उसी के चलते ये बड़ी खबर सामने आई है ग्वालियर में, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पर सिंधिया समर्थक पहुंचे थे, जिसमें बीजेपी के नेता ही आपस में झगड़ लिए। जी हाँ, ज्योतिरादित्य सिंधिया के स्वागत अवसर पर दो बीजेपी नेता आपस में झगड़ लिए। स्वागत के दौरान नेताओं के बीच ये तीखी नोकझोंक हुई, जिसमें हम आपको बता दें कि अपशब्द भी सुनाई दिए। दोनों नेता एक दूसरे को अपशब्द से संबोधित कर रहे थे। सिंधिया समर्थक बीजेपी नेता संजय शर्मा और एक अन्य सिंधिया समर्थक करीबी नेता आपस में झगड़ लिए। दोनों ही नेता सिंधिया समर्थक थे और ग्वालियर में जो उन्हीं का क्षेत्र है वहां पर ये दोनों नेताओं की जो ये झगड़ा है सामने आया है। एयरपोर्ट पर मौजूद दूसरे नेताओं ने जैसे तैसे समझा बुझा कर दोनों को शांत करवाया है। उपचुनाव के चलते मध्य प्रदेश में सियासत का दौर लगातार इतना गरमाया हुआ है कि आए दिन नए बयान आते हैं और हर छोटी चीज को राजनीति में कितना बड़ा बना दिया जाता है उसका सबसे सही उदाहरण देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश के उपचुनाव में। इसी की ताजा खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए खबर 100 के साथ।